कश्मीर यानी धरती का स्वर्ग। कश्मीर यानी भारतवर्ष का ताज। ऐसे कश्मीर की वादियों में बने मार्तंड सूर्य मंदिर की यात्रा पर चलेंगे आज। जी हाँ, वही मार्तंड सूर्य मंदिर जिसका इतिहास 1300 साल पुराना है, वही मार्तंड सूर्य मंदिर जो मुगल आक्रमणकारियों की आंखों की किरकिरी बन गया, वही मार्तंड सूर्य मंदिर जिसे जवाहरलाल नेहरू से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सबसे दुत्कार मिली, वही मार्तंड सूर्य मंदिर जिसे फिल्मों में शैतान की गुफा बनाकर प्रचारित किया, इसने हिंदू संस्कृति के साथ छल किया, इसने मंदिर को शैतान की गुफा बनाने की चाल चली, इसने मंदिर के भूत वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और कौन मंदिर में हुई हालिया पूजा पाठ से जल भुन उठा है, हर बात आपको बेंगुमक्कड़ की टीम समझाने जा रही है। बेंगुमक्कड़ आज इसलिए मार्तंड सूर्य मंदिर का रहस्य आपके सामने उजागर कर रहा है क्योंकि मई महीने के आगमन के साथ कश्मीर के अनंतनाग में मौजूद माटन इलाके के सूर्य मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा हिंदू समाज अचंभित है और हिंदू विरोधी हैरान परेशान है। तो सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझिए। तारीख 6 मई 2022। ये हनुमान चालीसा का पाठ, ये शंखनाद कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर के अंदर हो रहा है। कुछ लोग भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। लगभग 3 दशक के बाद मार्तंड सूर्य मंदिर के अंदर आस्था का ऐसा नजारा दिखाई दिया। मार्तंड सूर्य मंदिर में क्या हुआ? हिंदू संगठनों ने खंडहर में तब्दील सूर्य मंदिर में पूजा पाठ इसलिए किया, ये भी जानिए। दरअसल श्रद्धालु काफी वक्त से यहाँ पूजा पाठ करने के लिए प्रशासन से अनुरोध कर रहे थे। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन को ईमेल तक किया था, लेकिन काफी वक्त तक कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद 6 मई की सुबह 100 से ज्यादा भक्त मार्तंड सूर्य मंदिर में प्रवेश कर गए और एक शिला की शुद्धि करके वहां पूजा पाठ किया। आनंद फानंद में पुलिस को भी इलाके भर में सुरक्षा देनी पड़ गई। मौजूदा घटना के इतर अगर हम इस मंदिर के बारे में आपको बताएं, तो ये इस वक्त ASI यानी पुरातत्व विभाग की देखरेख में आता है। पुरातत्व विभाग के नियमों के मुताबिक इस मंदिर में पूजा की अनुमति नहीं है क्योंकि आजादी से पहले यहाँ पूजा नहीं होती थी। यहाँ पूजा होने पर पुरातत्व विभाग ने आपत्ति जताई, वो इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा भी 8 मई को यहाँ पूजा करने पहुँच गए। उन्होंने ट्विटर पर भी सूर्य मंदिर में पूजा की तस्वीरों को शेयर किया। इन तस्वीरों को देखकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जल भुन गई और ये कमेंट कर दिया। जहां हजारों कश्मीरियों को बेबुनियाद आरोपों में जेल में डाल दिया गया है, वहीं राज्य के मुखिया ASI संरक्षित स्थल पर पूजा करने जैसे सरल नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में शासन पूजा के कृत्यों और लोगों को चुप कराने के लिए कम कर दिया गया है। कैसा है मार्तंड सूर्य मंदिर? सियासी विवादों से दूर
अब आप इस मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर समझिए। मौजूदा मंदिर तो अब अवशेष भर है, लेकिन अभी भी इन अवशेषों को देखकर नजर आता है कि अपनी संपूर्ण भव्यता के दौरान सूर्य मंदिर खंभों पर आधारित रहा होगा। यहाँ 84 खंभे हैं। मंदिर का निर्माण वृहदाकार दिखाई देता है। कहा जाता है सूर्य मंदिर में चीनी, रोमन, ग्रीक और भारतीय शैली की झलक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर पर गांधार और गुप्त शैली का प्रभाव है। मंदिर की दीवारों पर बड़ी बड़ी शिलाओं के साथ अद्भुत नक्काशी की गई है। इसमें चूने के पत्थर की चौकोर ईंटों का भी उपयोग हुआ है, जो 1300 साल पहले के कारीगरों की कुशलता को प्रदर्शित करता है। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु समेत अनेकों देवी देवताओं के चित्र भी बनाए गए। माना जाता है मार्तंड सूर्य मंदिर पहला ऐसा मंदिर था जो सदियों पहले पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया। मंदिर परिसर में बना आंगन 220x142 फुट का था। परिसर में बना मुख्य मंदिर 60 फुट लंबा और 38 फुट चौड़ा था। मंदिर के सामने एक छोटा सरोवर जहां से पूजा पाठ के लिए मुख्य गर्भगृह में जल लाया जाता था। पूरा इलाका खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ। कहा जाता है मंदिर का डिजाइन इस प्रकार किया गया कि सूर्य की रोशनी सुबह सबसे पहले पड़ने के बाद दिन भर यहाँ विद्यमान रहती थी। मौजूदा मंदिर का निर्माण लगभग 724 से 761 ईस्वी सन के बीच माना जाता है। इसको लेकर पुरातत्व विभाग ने एक बोर्ड भी परिसर में लगाया। हालांकि इस बोर्ड के अलावा दूसरा कोई काम यहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा कभी नहीं किया गया। किसने बनवाया मार्तंड सूर्य मंदिर? श्रीनगर से 60 किलोमीटर अनंतनाग में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसे करकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने 8वीं शताब्दी में बनवाया। करकोट या करकोटक कश्मीर का एक क्षत्रिय कायस्थ राजवंश रहा है, जो गोनद राजवंश के बाद कश्मीर की सत्ता पर आया। करकोटक राजवंश कश्यप ऋषि और अदिति से जुड़ा हुआ है। माना जाता है दोनों की संतान करकोटक नाग थे। करकोटक सतयुग की एक प्रमुख नाग जाति मानी गई। इसी वंश के ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर के सबसे प्रतापी राजा बने, जिन्होंने यहाँ करीब 36 वर्ष तक राज किया। कहा जाता है उसी दौर का एक बड़ा हीरा इस सूर्य मंदिर में लगा, जो रात में सूर्य की तरह चमकता था। मान्यता तो यहाँ तक है कि मार्तंड सूर्य मंदिर का शुरुआती निर्माण द्वापर युग में हुआ, जिसे पांडवों ने खुद बनाया। कैसे बर्बाद किया मार्तंड सूर्य मंदिर? माना जाता है 1389 से 1413 के बीच मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस अद्भुत मंदिर को मिटाने की शुरुआत की। कश्मीर के मुगल शासक सिकंदर शाह मीरी ने इस मंदिर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। काफी समय और मेहनत के बाद भी जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ तो पूरी फौज को सूर्य मंदिर को तोड़ने में लगा दिया। सिकंदर शाह ने इस मंदिर के ईंट पत्थरों से कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। शाह मीरी ने मंदिर के पत्थरों को निकलवाकर वहां लकड़ियां ठूस दी, फिर उनमें आग लगा दी। इस तरह उसने मार्तंड सूर्य मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। कहा जाता है शाह मीरी को मंदिरों को ध्वस्त करने की सलाह मीर मोहम्मद हमदानी ने दी, जो एक सूफी फकीर था। हमदानी कश्मीर के हिंदुओं को मुस्लिम बनाना चाहता था, इसीलिए उसने सबसे पहले कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मंदिरों को जमींदोज करना शुरू कर दिया। फिल्मों में मार्तंड सूर्य मंदिर की छवि। ये फिल्म मन की आंखें में वहीदा रहमान है। साल 1970 में आई इस फिल्म का एक सुपरहिट गाना आजा रसिया कश्मीर के इसी मार्तंड सूर्य मंदिर में शूट हुआ। वहीदा धर्मेंद्र पर फिल्माए गए इस गाने ने मंदिर की छवि को तो दुष्प्रचारित नहीं किया, लेकिन ये पहली बार था जब किसी फिल्म में सूर्य मंदिर दिखाया गया।
अगली तस्वीर देखिए। ये संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की सुपरहिट फिल्म आंधी के एक गाने की तस्वीर है। साल 1975 में आई इस फिल्म का तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं गाना यहीं पर शूट हुआ था। साल 2014 में आई डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर ने इस मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचाया। शाहिद कपूर पर फिल्माए फिल्म हैदर के गाने बिस्मिल के बैकग्राउंड में यही मार्तंड सूर्य मंदिर था। इस गाने में सूर्य मंदिर को शैतान की गुफा के रूप में प्रोजेक्ट किया, जिसने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इस वक्त देश में भगवान सूर्य के चार प्रमुख मंदिर हैं। इनमें पहला ओडिशा के कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा गुजरात के मढ़ेरा में बना सूर्य मंदिर, तीसरा राजस्थान के झालरा पाटन का सूर्य मंदिर है, वहीं चौथा कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर, जो फिलहाल जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो ये कहानी थी कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर की, जिसे बीन घुमक्कर ने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप कभी कश्मीर जाएं, तो इस अद्भुत स्थान को देखने की कोशिश करें।